नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में और लेके हम आपके लिए बहुत ही कमाल का टेक न्यूज। तो चलिए कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पर कल की पुराने पुल की। तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको एक न्यू स्मार्टफोन लेना चाहिए अगर आपका अपना पुराना स्मार्टफोन बेकार हो गया है या उतनी अच्छी तरीके से चलता नहीं है, तो क्या आपको एक न्यू स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो आप में से 75% लोगों ने कहा हाँ भाई हाँ मुझे लेना चाहिए और 25% लोगों ने कहा नहीं भाई नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए क्योंकि मेरा ये स्मार्टफोन इसी से काम चल जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या मैं पबजी के ऊपर यानी कि पबजी से होने वाले फायदे पबजी से होने वाले नुकसान के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो आप अपनी राय यहां बताइएगा अपने यहां ऊपर दिए गए पोल में नीचे कमेंट्स में और सारी बातों को मिलाकर दबा दो लाइक वाले बटन को थोड़ा प्यार से। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला अपडेट निकल कर आता है अमेजन की तरफ से और दोस्तों इसमें अमेजन पर चल रहा है 5 फोन फेस्ट जिसमें आपको 25 से 28 मार्च के बीच में काफी अच्छी से डील्स मिलेंगी अगर आप अपना एक न्यू स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस समय प्रेजेंट टाइम में ले सकते हैं अमेजन के 5 फोन फेस्ट में। दोस्तों यहां पर अगला अपडेट निकल कर आता है Xiaomi की तरफ से और दोस्तों यहां पर Xiaomi ने एक न्यू टीजर लॉन्च किया है जिसमें आपको यानी कि आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं इसमें आपको मिक्स सीरीज की स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि ये जो मिक्स सीरीज का स्मार्टफोन है कब आता है इंडिया में और इसके बारे में आगे का क्या प्लान रहता है Xiaomi कंपनी का। दोस्तों बात करते हैं पर अगले अपडेट की निकल कर आता है Vivo की तरफ से और दोस्तों Vivo बन गया है स्पॉन्सर पबजी मोबाइल ओपन 2019 का जहां पर आपको $2 मिलियन का प्राइज मिलने जा रहा है अगर आपको अलग अलग कैटेगरी में अगर आप एक अच्छे गेमर हैं और अच्छी तरीके से अगर आप पबजी गेम को खेलते हैं तो आप इस समय तुरंत जाकर रजिस्टर कर लीजिए, हो सकता है आपका इसमें आपका नाम आ जाए। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की निकल कर आता है कि ऐसा ऑटोमेटिक टेक्निक जिसके चलते आप आई सरफेस कैंसर का पता बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की निकल कर आता है Motorola की तरफ से और दोस्तों Motorola का वन विजन स्मार्टफोन जो कि लीक्स हुआ है अभी, हालांकि उतनी अच्छी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है कि यह स्मार्टफोन आया है कि कहने का मतलब कितना सही है कितना गलत है। अब देखते हैं कि इसका जैसे ही वन विजन स्मार्टफोन Motorola लेकर आता है मैं इसकी आने वाली टेक्नोलॉजी जो कि मेरी आने वाली टेक्नोलॉजी रहेगी उसमें मैं इसका आपको एकदम 100% न्यूज आपको बता दूंगा। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की निकल कर आता है फ्री वाईफाई को लेकर जो कि यार बहुत ही ज्यादा एक तरह से कहें तो इसका प्रचलन हो गया है इंडिया में और दोस्तों गूगल का कहना है गूगल के हिसाब से अगर सोचे कहे तो गूगल का कहना है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है फ्री वाईफाई का। हालांकि अगर सारी बातों को मिलाकर एक तरीके से सोचे और समझे तो इंडिया में सबसे ज्यादा वाईफाई का यूज होता है और कहने का मतलब ये है भाई अगर एक अच्छी तरीके से एक नॉर्मली से अगर आप सोचें तो यार फ्री वाईफाई को यूज ही मत करिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि फ्री वाईफाई अगर आप किसी से कनेक्ट करेंगे तो वो आपका डाटा बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आपका डाटा ले लेगा। मैं इसके ऊपर उतना अच्छी तरीके से आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ न्यूज बताऊंगा, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी है यूट्यूब पर, आप जाकर वहां से देख लीजिए कि इससे क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों बात करते हैं यहां पर अगले अपडेट की निकल कर आता है Vivo की तरफ से और दोस्तों अगर आप Vivo Next स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इसमें दोस्तों Android Pie का अपडेट आया है। अगर आप Vivo का Vivo Next स्मार्टफोन यूज करते हैं तो जरूर इसका अपडेट आप लीजिए और काफी अच्छे तरीके से Android Pie का थोड़ा सा स्वाद ले लीजिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगले डेट की निकल कर आता है WhatsApp की तरफ से और दोस्तों भाई WhatsApp एक बार दोबारा एक ऐसा कैंपेन लेकर आया है जो कि यार अभी हालांकि भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं इंडिया में तो उससे पहले WhatsApp रोकना चाहता है फेक न्यूज को। तो काफी ज्यादा समस्या होती है क्योंकि फेक न्यूज यार एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोगों का जान चला जाता है, बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाता है फेक न्यूज से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इतना ही।